ढोल धमाके बजा दिए। अच्छा आई एम ग्लैड कि उसने सुनी बात, फिर हमने उसका अप्लाई किया एंड देन ही गॉट द एडमिशन, जिसकी मुझे भी बड़ी खुशी है कि यार चलो आप किसी को अगर गाइड करते हो और फिर वो चीज़ जैसा आप कहते हो वैसी हो जाती है, देन यू फील यू नो अनकम्प्लिश्ड अबाउट इट कि हाँ चलो जी अब सही कह रहे थे। समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के, दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नए जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आस्क एमर सेशन। मैं अगेन बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ, आज वाला सवाल मैं ईमेल से पढ़ रहा हूँ। बड़ी ही वेल रिटन ईमेल है, दैट्स हाउ द यू शुड राइट ईमेल एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट में सारी बॉडी डाली होती है यार, ऐसे नहीं होता है। एक सब्जेक्ट लिखो दो लफ्ज़ों का, जिस तरह इन्होंने लिखा जिस वेंट टू अप्लाई इनका टाइटल था सब्जेक्ट का, और उसके बाद बड़ा अच्छा तरह से मोहम्मद नदीम है ये, इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल भी काफ़ी रेलिवेंट है आप लोगों से जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। जी उनका सवाल है कि मुनीब भाई want to know के can we apply in on the basis of 7th या 6th semester की transcript पे। जैसा कि मैंने सुना है कि you can get admission even if you haven't completed your degree, what's your thought about it, and you also said in one of your video that you also applied on the basis of 7th semester transcript, ठीक हो गया। When to apply है कि किस semester में, अगर आप छठे सातवें semester में हैं तो can you still apply in German universities? The answer would be yes, you can still apply. अब होता क्या है कि काफ़ी लोग कहते हैं नहीं जी वो तो डिग्री पूरी नहीं है तो किस तरह हम क्या करेंगे, कैसे होगा। तो मैंने किया हुआ है, लाइक आई अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ 7th सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट। मुझे याद है शुरू में मैंने इनिशियल अप्लाई कर दिया था, अब यूनिवर्सिटी कुछ टाइम लेती है डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन में, 2 से 3 महीने लग रहे थे उन्हें। उस दौरान मेरी 8वें सेमेस्टर की भी ट्रांसक्रिप्ट आ गई, देन आई फॉरवर्ड देम द 8th सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट। अब अगर आपने अप्लाई करना है, आप 7वें सेमेस्टर में और 8वें सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, आप कहते हो जी मेरा समर इंटेक जाता जा रहा है, विंटर इंटेक जाता जा रहा है, देन ऑल यू हैव टू डू इज़ गेट अ होप सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उस होप सर्टिफिकेट को आप लोगे उन डॉक्यूमेंट के साथ, अपनी ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और क्या कहते हैं उस होप सर्टिफिकेट के साथ लगा के बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो बाकी जो प्रोसेस है लेटर मोटिवेशन रिकमेंडेशन ब्ला 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 का, वो सेंड आउट कर दोगे। सर यूनिवर्सिटीज़ आपको उस पर कंडीशनल एडमिशन लेटर ऑफर कर देती हैं, उनकी कंडीशन होती है कि जब डिग्री कंप्लीट हुई, 8 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट आ गई, डिग्री आ गई, तो हम एडमिशन फाइनलाइज कर दें, ठीक है। अब इसमें एक लूप होल जो अक्सर लगता है वो ये है कि डिग्री नहीं आ रही हमारी या कुछ इस टाइप का सीन है, तो मोस्टली आ जाती है यार, इतना टाइम लग जाता है प्रोसेस में, 5 से 6 महीने का टाइम लग ही जाता है कि आपका ना डिग्री तब तक डिग्री क्या चलो ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। डिग्री अगर थोड़ा लेट भी सबमिट करवा दो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरी डिग्री मुझे याद है कि बाद में निकली थी, लेकिन हाँ जब मैं यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कराने गया था तब मेरे पास डिग्री थी, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, ठीक है। इस चीज़ को इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाना। हमारा एक क्लाइंट था, जिस तरह मैंने पहले बताया था पिछले आस्क एम आर्मी के, उसकी 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे उसका एडमिशन हो गया था। वो भी जब आ रहा था कह रहा था मुनीब भाई अप्लाई करना है, मैंने आपके थ्रू करना है सारा कुछ, लेकिन अभी मैं 8वें सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास नहीं है, बाकी मेरा आइल्स भी पूरा है, मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं, बट 8वें सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ रही, उसमें टाइम लग रहा है और मेरा अभी एक आधा एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, उसने एक एग्ज़ाम देना था। तो इट्स लाइक कि आप कर सकते हो अप्लाई, डॉक्यूमेंट दे दो, वी कैन, हमारे पास एक सेमेस्टर है, अगर जब सारी बाकी डॉक्यूमेंट कम्प्लीट हैं, लेट्स गो इन, लेट्स अप्लाई फॉर दिस सेमेस्टर। आई एम ग्लैड कि उसने सुनी बात, फिर हमने उसका अप्लाई किया एंड देन ही गॉट द एडमिशन, जिसकी मुझे भी बड़ी खुशी है कि यार चलो आप किसी को अगर गाइड करते हो और फिर वो चीज़ जैसा आप कहते हो वैसी हो जाती है, देन यू फील यू नो अनकम्प्लिश्ड अबाउट इट कि हाँ चलो जी अब सही कह रहे थे। मैं अगेन, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि यार मैंने किया हुआ था 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे, तो मुझे पता था, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मसला करते हैं। यूनिवर्सिटी के नाम में खैर कुछ हैं लाइक आइडिया है मुझे, बट अगेन वहाँ पे कुछ जगह पे मसला आया था, बट इन जनरल ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ का मसला नहीं करती, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको भी कंडीशनल एडमिशन लेटर ऑफर कर देंगे अगर आप उन ट्रांसक्रिप्ट की 7th सेमेस्टर या इवन 7th से अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया 6th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे करते हो, GPA वगैरह अच्छा है, तो चांसेज होते हैं कि आपका एडमिशन वो कंडीशनल एडमिशन लेटर आपको दे दें, ठीक है।
तो नदीम, थैंक यू फॉर राइटिंग योर ईमेल। आई रियली लाइक द फॉर्मेट जिस तरह आपने लिखी, एक इंसानों वाली ईमेल थी, तो थैंक यू। ठीक है, और आपने एंड में दवाएँ भी दी कि बड़ा अच्छा काम करें मनीप भाई, आई एम रियली गेट इंस्पायर्ड बाय योर कॉन्टेंट, और आपकी वजह से मेरा जर्मनी की तरफ माइंड बना। तो आई एम रियली ग्लैड यार कि कॉन्टेंट आप देख रहे हो और काम भी आ रहा है, इससे अच्छे मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। बस दवाओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड, कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या बेसाथ।